नागपुर के तहसील पुलिस थाने अंतर्गत गौवंशों को कत्तल खाने से रिहा किए जाने की कार्रवाई हुई है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह तहसील पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद पाटिल के मार्गदर्शन में उनकी टीम द्वारा जांच करने के दौरान एक घर में अवैध तरीके से गौवंशों को रखे जाने की जानकारी मिली, जहां घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और कुल 33 गौवंशों को बरामद किया गया और साथ ही मांस कटाई के हथियार भी बरामद किए गए। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरी कार्रवाई में तकरीबन 4.5 लाख रुपए का मुद्देमाल तहसील पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। आरोपी का नाम शकील कुरैशी बताया गया है। साथ ही कुछ देर पहले भी पांचपौली पुलिस थाने अंतर्गत भी 27 गौवंशों को नोगा फैक्ट्री के पास से बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी है। आज मॉर्निंग में पांचपौली पुलिस स्टेशन और तहसील पुलिस स्टेशन में गौवंश तस्करी के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन इम्प्लीमेंट किया गया था। तहसील पुलिस स्टेशन में सीनियर PI विनोद पाटिल साहब और उनकी टीम ने आज सुबह 7 बजे से पूरा एरिया वो चेक कर रहे थे। उस दौरान अंसार नगर एरिया में मोमिनपुरा में एक घर में उनको एक जानकारी मिली कि अवैध तरीके से गौवंश रखा गया है। वहाँ पे रेड करने के बाद उन्हें लगभग 33 गौवंश वहाँ पे मिला जो इलीगल तरीके से वहाँ पे रखा गया था। और साथ ही साथ जब हाउस सर्च किया वहाँ पे कटाई के लिए स्लॉटर के लिए जो वेपन्स इस्तेमाल होते हैं सत्तूर वगैरह ऐसे वेपन्स भी घर पे मिले थे। तो उस सीज करने के बाद वहाँ पे दो आरोपी थे जिन्होंने वो गौवंश रखा था वहाँ पे इलीगली, उनको अटक किया गया है और इस कार्रवाई में लगभग 4.5 लाख रुपए का मुद्देमाल उनकी टीम ने जब्त किया है। आरोपी कौन है? आरोपी वही जिनके घर में ये मुद्देमाल मिला है जो उनको अभी आरोपी हमने किया है शकील कुरैशी उनका नाम है। और उसके साथ साथ और किसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या ट्रांसपोर्टेशन में वगैरह वगैरह इसकी जांच अभी तहसील पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है। और इसके साथ साथ ही पांचपौली में भी ये ऑपरेशन इम्प्लीमेंट किया गया था और अभी जस्ट कुछ देर पहले ही पांचपौली में भी 27 गौवंश वापी मिला है नोगा फैक्ट्री एरिया में। तो पांचपौली में भी अभी इस तरह की कार्रवाई शुरू है, वहाँ पर भी आरोपी अटके और किसी का इन्वॉल्वमेंट वो चेक कर रहे हैं।